कभी भी 80 सर्वे नंबर कभी भी किसके सामने नहीं झुकती, नहीं झुकना भी नहीं। वो अपना अपने कौन सी भी उम्मीदवार है, यहाँ पे एमएलए रहने दो, कॉर्पोरेटर रहने दो, एमपी रहने दो, उसको पूछ के कागज पकड़ के उसके काम कराना जरूरत है। अगर थोड़े लोग जो टीआरएस में है, ये आज जो टीआरएस में जो काम कर रहे वो लोग को क्या है बोले तो थोड़े बहुत पैसों के वास्ते जो हुकूमत के सामने चुक रहा है, आप लोगों को एक ही मैं बोलने की बात क्या है बोले तो 80 सर्वर नंबर का शान कभी भी नहीं चुकना। वो शान चुकते हैं तो आप लोग हारे जैसा होता है। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, जो पार्टी अपने लिए काम करती उन लोगों को वोट डालो, जो पार्टी हम लोग काम नहीं करते उसको वोट मत डालो। मैं भी एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे को काम कर तुम बोले तो मेरे को वोट डालो, नहीं तो नको डालो। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, क्यों बोले तो कैसो 6 महीने से कोरोना जब लॉकडाउन पड़ी, जब से ऑफिस पेड में मैं घूम रहा था, उससे पहले भी मैं घूमा था, उससे पहले तो थोड़ा ठीक ठाक था, मगर जब कोरोना आने से आया था तब से पब्लिक कितना परेशान में। टीआरएस गवर्नमेंट क्या कर रही आप लोग सोचने की बात है ये। और ऊपर से एक बात मैं बता दो, कोरोना के टाइम पे एक एक आदमी को 10 किलो 15 किलो राइस एक एक आदमी को 500 रुपए दो बोल के गवर्नमेंट अनाउंस किया, मगर ये पैसे किधर गया आप लोग सोचने की बात है। उसके बाद में जो माइग्रेंट लेबर्स जो यूपी बिहार असम से जो लोग आपे यहाँ पे जी रहे, अपना हैदराबाद को तरक्की ला रहे थे लोग, उन लोग को देने के पैसे भी ये गवर्नमेंट खा लिया और ये कॉर्पोरेटर एमएलए भी खा लिया है लोग। और उसके बाद में जो भी चीज उसके बाद में फ्लैक्स आया, जो पानी गिरा, पानी गिरने के बाद में टीआरएस पार्टी क्या करना, जो रियली अफेक्टेड है उन लोगों को 10,000 रुपए पहुंचना था, मगर उन लोगों का वोट बैंक बनाने के लिए जो उनका कार्यकर्ता है उन लोगों को जो मानते हैं उन लोगों को वो पैसे दिया, उसी के वास्ते भी मैं लड़ा था। लड़ने से मेरे ऊपर केस आ गए, आप लोग को सब लोग को मालूम है, मगर एक ही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं केसों से ये हुकूमत से मैं डरने वाला नहीं हूँ। कॉर्पोरेटर को बोल रहा हूँ, एमएलए के गांधी को बोल रहा हूँ, किसको बाप को डरने का नहीं है यहाँ पे। ये हमारा कोंडापुर डिवीजन हमीसपेट है, हम किस बात के डरते नहीं, हम खींच के हमारा जो पैसा है वो खींच के तुम्हारे पास से लेंगे, वही हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, किसका अब जो पैसे है वो 10,000 बांट रहे थे, वो अपना उसके पैसे, अब जो अपने टैक्स भरे से पैसे है वो टीआरएस के घर में से का पैसे नहीं दे रहे, किसका बाप का पैसे नहीं है, वो अपना पैसे है। आप लोग मैं सोचने की बात ये नहीं है, जैसा कार्पोरेटर साहब 5 साल हो गया है हमें जीत के, 4.5 साल किधर से हो गए जाएगी, जब मैं यहाँ पे उतरा मैं रवन्ना यहाँ पे उतरे बाद में उन्हों जग गए, अरे क्या ये हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी वाले जग गए, फिर हमारा पूरा बाहर दिख जाता, ये रोडों का प्रॉब्लम, ये ड्रेनेजों का प्रॉब्लम, ये सब का प्रॉब्लम ये लोग दिखाएंगे बोले तो। जब से मैं यहाँ पे उतरा, जब से यहाँ पे ये रोड भी बनी और अंदर के जो रोड भी बने, आप लोग को सब लोग को मालूम है, एक ही बात मैं पूछने जा रहा हूँ, आज टीआरएस के पार्टी लोग कोई भी यहाँ पे आए तो एक ही बात पूछना है, आप लोग चाहे केटीआर आने दो, चाहे एमएलए आने दो, कॉर्पोरेटर आने दो, अपने को दुर्गा माँ के चेहरे के ऊपर केबल ब्रिज की जरूरत है क्या किसकी तो भी जरूरत है, मगर वो जरूरत में सो केबल ब्रिज डाल रहे हैं, जो अपने बस्ती के रोडों का कहीं को नहीं डालते, वो रोडा कहीं को नहीं डालते, वो रोडा आपको हमको जरूरत नहीं है, जो पब्लिक है पब्लिक के वास्ते गवर्नमेंट बनती, पब्लिक के वास्ते जहाँ सफर होती वहां पे कहा रोडा बनाना है। मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ सब लोगों को, पूछने से कुछ भी नहीं होता, पूछने से कोई अपन को नहीं मारता, एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, एक ही बात भाई, कोई भी आके गल्ला पकड़ के कालर पकड़ के खींचो क्यों बोले तो, अपना हक है वो पूछने का। मैं और एक भी बात बोल दूं, आज
अमीर पटेल का एक ही हिम्मत है, खाली पैसा। आज कोई उसको वोट डालने के लिए रेडी नहीं है, मगर उसका हिम्मत एक ही है, मैं पैसे लगा के पूरा खरीद तू बोल के उसका हिम्मत है। मगर आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, 500 रुपए लेके वोट डाले तो 5 साल उन्हें घर में सोता, वो आपको होना है क्या? होना है क्या आप लोगों को? मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, 500 रुपए की सूरत मत देखो, 5 साल का तरक्की देखो। मैं वही बात बोलना चाहता हूँ।